बोलो ऋषभ, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी मनोकामना पूरी करने गंगा। तुम मेरा सत्य जानना चाहती थी ना? देखो ये है मेरा सत्य, मैं एक ऋषभ हूँ। ऋषभ, हम बहुत प्रयास करने के पश्चात भी तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहे, किंतु तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें तुम्हारे स्वामी तक पहुंचा कर रहेंगे ताकि तुम्हारी ठीक से देखरेख हो सके, ठीक है? सेनापति जी, इस ऋषभ को उसके स्वामी के पास छोड़ाइए, किंतु प्रेम पूर्वक। जी राजकुमारी। मुझे कहीं नहीं जाना गंगा, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना, मुझे तुम्हारी ही सेवा करनी है। माती, पिताश्री, ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये वृषभ हमारे साथ अपने स्वामी के पास जाना चाहता हूँ। माती, पिताश्री, तो हमारी बात भी समझ जाए, क्या हम इसे इसके स्वामी के पास ले जाए? अवश्य, किंतु सावधानी पूर्वक। चलो वृषभ, अब तुम अपने स्वामी के पास जाओगे, चलो। पहले केवल हिमालय के लोग ही हमारी पुत्री गंगा से प्रेम करते थे, किंतु अब ऐसा प्रतीत होता है कि हिमालय के पशु और पक्षी भी गंगा से प्रेम करने लगे हैं। जी महाराज, ऐसी पुत्री पाकर आप और हम धन्य हो गए। अच्छा, तो क्या तुम्हारे स्वामी तुम्हारा ध्यान रखते हैं? देवी गंगा, मेरे स्वामी तो महादेव हैं, और वो मेरा क्या, पूरे संसार का ध्यान रखते हैं। तो तुम्हें तुम्हारे स्वामी अवश्य मिलेंगे और तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओगे। देवी गंगा, मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं, अभी तो मेरा सत्य बताने के लिए ही मैंने वृषभ रूप धारण किया। परंतु समस्या ये है कि जब तक आप मुझे नहीं पहचान लेती, तब तक मैं मेरे वास्तविक स्वरूप में भी नहीं आ सकता। चलो, प्रणाम राजकुमारी जी। राजकुमारी जी, आप यहाँ, और वो भी इस वृषभ के साथ? जी गिरधर काका, ये वृषभ मार भटक गया है, आपको पता है क्या इसके स्वामी कौन है? वो क्षमा कीजिएगा राजकुमारी जी, किंतु ये वृषभ इस गांव का तो नहीं है। यदि ये वृषभ इस गांव का नहीं है तो फिर किसका है? ये अवश्य मेरा ही वृषभ होगा। प्रणाम काका। प्रणाम राजकुमारी जी। अवश्य मेरा है, अर्थात क्या आपका वृषभ है अथवा नहीं? वो क्या है ना राजकुमारी जी, कल मैंने नंदेश्वर के कान में एक नए वृषभ की इच्छा व्यक्त की थी, अब यहाँ तो यह किसी का नहीं है, तो अवश्य महादेव ने इसे मेरे लिए भेजा होगा। तो देर किस बात की काका, महादेव की जय कीजिए और इस वृषभ को अपने साथ ले जाइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। लीजिए काका, अब तुम्हारे नए स्वामी तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे, जाओ उनके साथ। ए देवी गंगा, आप मुझे कहाँ भेज रही है? मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे केवल आपके साथ रहना। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव ने पशुपति काका की प्रार्थना भी सुन ली, तब तक हमारी इच्छा पूर्ण क्यों नहीं हो रही? अब तो नंदेश्वर का सत्य जानना दूर, नंदेश्वर भी नहीं दिख रहा। गंगा, मैं ही तो नंदेश्वर हूँ, किंतु समझ नहीं पा रहा कि ये मैं तुम्हें बताऊँ कैसे। वृषभ रूप ही सत्य रूप है, नंदी वृष एक तू ही स्वरूप है, गंगा को कैसे समझाए, कैसे नंदी भेद बताए, यह लीला कैसी शिव शंकर, गंगा न समझे व्यथित नंदेश्वर, विडंबना यह कैसी आई, नंदी कहे कैसे सच्चाई। प्राणाय नमो यः सर्विन्दं वशे, यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन् सर्वप्रतिष्ठम्। नमस्ते प्राणक्रन्दाय, नमस्ते स्तनयित्नवे।
नमस्ते प्राण विद्वते, नमस्ते प्राण वर्षते, यत प्राण तनयत्नो नाभिक्रंदत्यो शरी प्राव्यन्ते गर्भाणे ददधे अशो बहिर्विजायन्ते, यत प्राण तु आगते आभिक्रंदत्यो शरी सर्व तदा प्रामोदते तदकिंच भौम्या मदे। अंधकासुर विष्णु के वरा अवतार के कारण पाताल भूमि में तुम्हारे पिता का बहुत रक्त बहा, वही रक्त इस कलत में संचित है। हमारे जागृत अनुष्ठान को पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता, जाओ और जाकर अपने पिता की मृत भूमि को इस रक्त से संचित करो। अंधकासुर, हमारा जागृत अनुष्ठान पूर्ण हुआ, अब तुम्हारे पिता का आत्मिक रूप वास्तविक शारीरिक रूप धारण कर रहा है। गुरुदेव, ये शुक्राचार्य ने क्या कर दिया? ऐसे तो कभी किसी असुर की मृत्यु होगी ही नहीं। हाँ गुरुदेव, हम बार बार असुरों का अंत करते रहेंगे और शुक्राचार्य अपने जागृत अनुष्ठान से बार बार असुरों के आत्मिक रूप को जागृत करते रहेंगे। देवों, इसीलिए तो इस संसार में देवी गंगा का अवतरण हुआ है। वो असुरों का केवल अंत ही नहीं करती अपितु उन्हें सदा सदा के लिए मोक्ष प्रदान करती है, जिससे वे कहीं पर भी किसी भी यज्ञ किसी भी अनुष्ठान से वापस ना आ सके। ये फल अनाज और वस्तु ऋषिवर जाहनू के आश्रम पहुंचा दीजिए और ध्यान रहे वहां किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी महारानी। माते, पता है? उस वृषभ को उसका स्वामी मिल गया। अच्छा, किसका था वो वृषभ? वो पशुपति काका का। और पता है, पशुपति काका ने नंदीश्वर के कान में एक वृषभ की मनोकामना की और उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई। अच्छा, तो क्या ये बात सत्य है कि यदि नंदीश्वर के कान में कोई इच्छा व्यक्त की जाए तो वो इच्छा पूर्ण हो जाती है? पता नहीं माते, हमने भी नंदीश्वर का सत्य जानने के लिए उसके कान में अपनी इच्छा व्यक्त की थी, किंतु हमारी इच्छा तो पूर्ण ही नहीं हुई। गंगा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम में से कोई ये नहीं जानता कि नंदेश्वर अपने अतीत के बारे में कुछ जानता भी है या नहीं, और यदि जानता भी है तो वो उसे बताने में कितना सहज है। तो माते, हम क्या करते उसका भेद जानने के लिए
इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग ही नहीं था। पुत्री, हम आपकी उत्सुकता समझ सकते हैं, किंतु इस प्रश्न से नंदेश्वर को बुरा लग सकता है, उसे दुख भी पहुंच सकता है। आप सत्य कह रही हैं माता, अवश्य ही नंदेश्वर दुखी होगा, तभी वो हमसे मिलने भी नहीं आया, और वो तो आज हमें पूरे राजमहल पे भी नहीं देखा। हाँ, चला गया वो, हमें उसे ढूंढना चाहिए माते। अवश्य। देवी गंगा, मैं क्या करूं? मैं जानता हूँ कि आप मुझे ढूंढ रही हैं। आज महादेव का नंदे हल्का बैल बनने वाला है। लगता है इस वृषभ ने आज तक हल नहीं चलाया, किंतु मैं भी पशुपति हूँ, हल तो इससे जोत के रहूंगा। अरे पशुपति, आज ही बैल पाए और आज उसे खेत पे ले आए। अरे तो क्या घर में रखकर इसकी आरती उतारता? अरे अगर इससे खेत नहीं जुतवाया ना, तो ये घर बैठे बैठे सिर्फ मुंह चलाना सीखेगा। देवी गंगा, यदि मैं मेरा सत्य को पहले ही बता देता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। अरे वहाँ खड़े खड़े मुंह क्या बना रहे हो? अरे तनिक आओ, हमारी सहायता करो ना ये हल जोतने में। जटाधर, इस बाल को लगाने में हमारी मदद करो। पशुपति, ये बैल बहुत शक्तिशाली है, तुम्हारा खेत जोतने के बाद कुछ दिनों के लिए मुझे दे देना। पहले ये हल चलाना तो सीख जाए। पशुपति काका, आपने मेरे कान में केवल एक बैल पाने की इच्छा व्यक्त की थी, अब आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो चुकी है। अब मुझे देवी गंगा के पास जाना होगा मेरा सत्य बताने। मैं चला। अरे पकड़ो मेरे वृषभ को। अरे जटाधर, रोको उसे। अरे पकड़ो पकड़ो, अरे कोई मेरे बैल को तो पकड़ो। अरे पकड़ो उसे। अरे देखो मेरा बैल भागा जा रहा है। सामने आ भरा अवतार, जैसे मैं धरती को पाताल लोक में ले आया हूँ, वैसे ही तेरा अंत इसी पाताल लोक में करूंगा। सामने आ भरा अवतार, सामने आ। गुरुदेव, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पिताश्री जागृत होकर भी सो ही रहे हो। वो तो हमारी ओर देख भी नहीं रहे। अंधकासुर, प्रतीत हो रहा है तुम्हारे पिता अभी भी मृत्यु की पूर्व की स्मृति में है। पहले ने सब कुछ स्मरण कराना होगा। तूने तो मेरा अंत कर दिया था, तो फिर मैं जीवित कैसे हूं? असुर गुरु शुक्राचार्य, अंधकासुर, बताओ पुत्र, मुझे आत्मिक रूप में क्यों जागृत किया? पिताश्री, आपके आशीर्वाद से मैंने देवताओं को पराजित किया है और शीघ्र ही उस विष्णु समेत ब्रह्मा और महेश को भी पराजित कर दूंगा। किंतु इस कार्य के लिए तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है। बताओ पुत्र, इस संपूर्ण सृष्टि पर असुरों का आधिपत्य स्थापना करने में मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं? पिताश्री, हम असुरों के मार्ग की केवल एक ही बाधा है, पवित्रता की देवी, देवों की नई शक्ति गंगा।
उसी गंगा का अंत करने के लिए हमें आपकी सहायता चाहिए पिताश्री। गंगा राजकुमारी। प्रणाम काकी। प्रणाम राजकुमारी जी। काका, आपने नंदेश्वर को देखा क्या? इस समय तो वो चौपाल में होता है, मिष्ठान खाते हुए और लोगों की मनोकामनाएं सुनते हुए। काका, हम अभी वहीं से आ रहे हैं, किंतु वो तो हमें नहीं देखा। तब तो केवल महादेव ही बता सकते हैं कि कहाँ है नंदेश्वर। वो चाहे कहीं भी हो, किंतु आज हम उसका रहस्य जान कर रहेंगे। प्रणाम काका। प्रणाम काकी। प्रणाम। आपने नंदेश्वर को देखा? नहीं देखा। आपने नंदेश्वर को देखा? नहीं। आपने नंदेश्वर को देखा? प्रणाम राजकुमारी जी, नहीं देखा। ये नंदेश्वर का भेद, ये तो खुलने के स्थान पे बहुत भी उलझता जा रहा है। हर स्थान पर ढूंढ लिया हमने से, किंतु वो हमें कहीं नहीं दिख रहा है। एक बार वो महल तो है, फिर हम उसे बताते हैं कि हम गंगा हैं। देवी गंगा, मैं आ गया। देवी गंगा, ये वृषभ यहां पर आ गया। वृषभ, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। पशुपति काका तुम्हें ढूंढ रहे हो, जाओ उनके पास। ये वृषभ तो हमारे पीछे ही आ जा रहा है। ऐसा लगता है इसे भूख लगी है। काका, इस वृषभ को भूख लगी है, कृपया आप इसे थोड़ी घास डाल दीजिए। देवी गंगा, मैं नंदेश्वर हूँ, आपका नंदेश्वर, और मैं घास नहीं खाता, मिष्ठान खाता हूँ। भूल गई आप? हमने सुना है कि वृषभ के लिए ये हरी घास मिष्ठान से भी अधिक प्रिय होती है। तो लो, खाओ अपना मिष्ठान। महाराज, हमें तो अब इसके वृषभ होने पे आशंका हो रही है। ऐसा कौन सा वृषभ होगा जो हरी घास ना खाए? वृषभ, खाओ ना। अब सत्य कह रही है महारानी, इस वृषभ का बार बार हमारी पुत्री के पास आना हमें चिंता में डाल रहा है। महाराज, इससे पहले कि ये वृषभ हमारी पुत्री के लिए कोई संकट बने, हमें शीघ्र अति शीघ्र इसे सदा सदा के लिए यहां से दूर करना होगा। आप उचित कह रही है, आइए हमारे साथ। गंगा, पुत्री। माते, पिताश्री, पता है हम इस वृषभ को पशुपति काका को सौंप आए थे, किंतु ये हमारे पीछे पीछे आ गया। लगता है जैसे इस वृषभ को हम अधिक प्रिय है। पुत्री, यहाँ ये। क्या हुआ माते, आप चिंतित लग रही हैं। पुत्री, इस वृषभ का बार बार आपके पास आना हमारे लिए चिंता का विषय बन रहा है। हमें तो संदेह है कि वृषभ के रूप में कोई असुर है। अरे महाराज, ठीक क्या कह रहे हैं आप? मैं आपका नंदेश्वर हूँ, देवी गंगा का सेवक हूँ। इतने वर्षों से सेवा कर रहा हूँ और अब मुझे असुर कैसे समझ सकते हैं? लगता है इसने हमारी बातें सुन ली और अब ये क्रोध में आकर हम पर प्रहार करना चाहता है। हम
हमें तो इसकी आंखों में केवल प्रेम और पीड़ा दिखाई दे रही है। पुत्री, आपको वही दिखाई दे रहा है जो आपके हृदय में, किंतु अब हम इस संकट को आपके पास नहीं रहने दे सकते। सेनापति जी, शीघ्रता कीजिए, इस वृषभ को हिमालय की सीमाओं से दूर छोड़ाइए ताकि ये लौटकर वापस गंगा के पास ना आए। जी महारानी। देवी गंगा, मैं कोई संकट नहीं हूं, मैं तो आपका सेवक हूं। मुझे अपने से दूर मत कीजिए देवी, मुझे दूर मत जाने दीजिए देवी। Subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishaara.